मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। चंद कीमती गाड़ियां निकाल के वो पसरूर शहर में और इस जामे लाल मस्जिद चौक अहले हदीस में सालाना कुरान व हदीस कॉन्फ्रेंस के मौका पे तशरीफ लाए। अल्लाह सुबहानहु व तआला उनकी आमद अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह आपके लिए खुशखबरी है कि आज की इस बज़म में, आज की इस नशिस्त में कायदे मिल्लत सलफिया अमीर अहले हदीस मौलाए मीर खानदान के चश्मो चिराग हजरत अल्लामा शहीद के जान नशीन मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिंबर के वारिस उनके पोते और अहले हदीस के अजीम कायद रहबरे मिल्लत हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजद मीर साहेब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इंशाअल्लाह चंद सातों के बाद वो भी तशरीफ ला रहे हैं और आपको मुबारक हो। हजरत अमीर मोहतरम आज की नशिस्त में आपसे खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब वादा करते हैं कि तमाम उलमा इकराम के खिताबात समात फरमाने के बाद अपने घर जाओगे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इसी तरह शेर अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब उनका अजीम और मुदल्लल खिताब वो भी आपको इंशाअल्लाह सुनने के लिए मिलेगा। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद नवाज जोंदा साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह लोधी के चीमा समड़ियाल से तशरीफ लाए और चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल डीलम बलगन के। अल्लाह ताला उनकी आमद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुअज्जज मेहमान जो रावाली से आर्मी के अफसर मेरे भाई चौधरी जफर इकबाल जिठौल साहब तशरीफ लाए। अल्लाह ताला उनकी आमद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आपके सामने मंजूम कलाम पेश फरमाएंगे नाज़म तबलीग मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला सियालकोट हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इलियास साहेब। इंशाअल्लाह वो भी जलवा अफरोज हैं मगर तमाम उलामा इकराम शोरा इकराम के खिताबात और मंजूम कलाम बाद में होंगे। हजरत कारीउल कुरान कारी मोहम्मद याकूब साहेब फैसलाबादी उनका खिताब पहले होगा। जरा अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। यार रब की तौहीद का नारा और आपकी आवाज जामिया लाल मस्जिद चौक अहले हदीस से बाहर ना निकले। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं, मनहज नहीं, सोच नजरिया और फिक्र नहीं। रब की तौहीद का नारा बुलंद कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठा के रब की किबरियाई की दुहाई दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलक हक मसलक अहले हदीस, उलामाए अहले हदीस। बुलंद आवाज के साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान कारीउल कुरान कारी मोहम्मद याकूब साहेब, कारी मोहम्मद याकूब साहेब फैसलाबादी, कारी मोहम्मद याकूब साहेब फैसलाबादी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती दौरा हजरत मौलाना मुफ्ती फैतुल्ला शाकर साहब वो जिस तरह ऐलान करते ने ना बंदे का उत्थे काम हो जाता। तकरीर की करनी है, तकरीर तो ता बनती है वो ऐलान तो वध हो वो जीरो पॉइंट पर रह जाती है। इन्हों का ऐलान जरा वो 100% आसमाना दिया बुलंदियों चढ़ जाता है। तो दूसरा इन्होंने कह दिता फरमा दिता कि उतों आ के बंदा 5-7 तकरीर तो एवें ही बस फलाप ही हो जाएं ने। आवाज़ थोड़ी देर चल के आवाज़ ही बह जाती है क्योंकि जाम हो जाते एसी मस्जिद एसी कमरे एसी रूम। असी जटैड खतीब जड़े सर दे
वाला तो लैके जनाब पैरों के नाखना तक इंज जिम्मे कपड़े सवैद बंदा किसी नहर छाल मार के निकलिया होंगे ना, तो इंज असी तकरीर कर सकते हैं, इंज पसीने पसीने हो गए उत्थे तो कुछ भी नहीं होंगे, गले जाम हो जाते हैं। पर क्या प्यारे भाइयों कुछ इंशाला बयान होएगा अल्लाह की तौफीक नाल, बड़े बड़े उलमा मौजूद ने इंशाला तफसीली बयान आ तो उन्होंने होंगे थोड़ा जहा हिस्सा बह पाना। अल्लाह ताला तुहाडी मुहब्बत नू तुहाडे प्यार नू कबूल मंजूर फरमाए। इन अल्हम्दुलिल्लाह بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم परे जी परे परे थोड़ा जा परे रो फिर उत्थे जड़ दिता किसी ने होर परे करो थोड़ा जा बस ठीक। वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या وبالوالدين إحسانا पूरे खिताब पूरे जलसे दे अंदर एक बयान ते एहो जा मुआशरे दी सलाह वास्ते होना चाहिदा है कि वालदैन दा भी पता चले उन्हां दी भी अजमत ते मुकाम बयान होना चाहिदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे दोस्तां ने कहा और भी हाफिज़ एहसान लाई जहीर मेरे राणा मुहम्मद शफी खान पसरूरी दे साहबजादे उन्होंने क्या एक सिफारिश की है। मैं आख्या तू तो खाना खिलाते हैं टाइम गुजार देना है, तू कड़ा सुनना है सिफारिश अपनी। कहिंदा कारी साहब मैं भावें किस तरह सुन लागा बल्कि मैं पहुँच जाना प्रोग्राम च, वो खाना खिला रहा मेहमानों ते फरमा रहे सन के आसो पासो इधर उधरों सिफारिशा जरूर ने, अज तुहाडी मेहरबानी अज लोरी तो सुना दिया जे सानू पता है तुसी बहुत औखी सुनांदे हो लोरी तो मैं उन्हें दस्या तुहानू भी पता है कि वह तो हुण है जी रखी हुई है छुपा के हवा नहीं उन्हें लवाते असी तरसान तड़पाण वास्ते सुना दी जी सुनानी सी हुण तो सुनांदे ही नहीं असी छेती कीतिया। अज जे शायद तुहाडा रुख बन गया कोई तरले बिनता तुहाडी तरफों हो गई तो शायद थोड़े जे दो जुमले सुना दीए पर एडी सौखी अज भी नहीं सुनानी मैं। وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما إك باغ بهشت دا بوٹا تے ما ٹھنڈی چھاں ما
ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਮਾਓ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜੈ ਜਿਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਗਮਖਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਏ ਵੀਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਦੈਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਏ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਗਮਖਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਪਸਰੂਰੀਆ ਉਂਝ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਹਰਦਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਵਾ ਕੁਰਬ ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیو دوستو بزرگو ذی وقار علماء کرام معززین کرام اور مہمانان گرامی میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال اج دی فقید المثال عظیم الشان تاریخ ساز اس کانفرنس نو جڑی مولانا محمد رفیق منادر اسلام مولانا محمد رفیق پسروری رحمت اللہ علیہ انہا دے اس ماشاءاللہ گلشن دے اندر انہا دے بیٹیاں نے رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب رانا محمد خلیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالی ان ماشاءاللہ علماء نے انہا دے بیٹیاں نے انہا دی جماعت نے انہا دے احباب نے ماشاءاللہ پوری پسرور جناب شہر دی نمائندہ کانفرنس سے اتنا انتظام اہتمام اس سلسلے نو چلایا ہویا اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے
मेरे प्यारे भाइयों, बात लंबी नहीं, इंतहाई इख्तिसार नाल बात करिए। एक दोस्त एक ते चिमट जाते ने कहते ने फलां चीज़ फला हर चीज़ ते एक तकरीर अंदर नहीं आ सकती। वो जेड़े इब्तदा अंदर शेर कहते ने जी वो जरूर हो ते हर तकरीर च ही पढ़ दो ते पूरी तकरीर नाम ही करो ते कल्ले शेर पढ़ के परा हो जाओ ना दो वो भी ते काफ़ी हो जाते ने। वो शेर केड़े सन अगे मैं शायद पढ़े सने थे ता ही बार बार सिफारिश की है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। अलामा इकबाल ने भी यही मुका दतिया है। सियालकोट की सरजमीन ने दो अलामे पैदा किए, एक अलामा इकबाल दूसरे अलामा एहसान है जी। कल्ला कल्ला भारी करोड़ों इंसान जी सोने क्या बात रंग बनते फरमाते। मैनू तो अपनी जान क्या है अलामा इकबाल ने फरमाते ने लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तस्कीन। इंज नहीं सीन नू हलाना नहीं बल्कि इत्थे रुकना है जरा कारियो है जी। माशाला अजकल के छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं कि जज़्म ते रुकना उन्हें कलकले नहीं की जाने अल हमदो लिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं नहीं जी नहीं अल हमदु लिल्लाह रब्बिल बिल आलमीन। ठीक है समझ आ गई ना हूँ है जी तालिब इल्मां वास्ते जी। इधर मैं अर्ज़ाएं कर रहा इधर वेखना फरमाते ने लिखना नहीं आता तो मेरी जान अगे नहीं लिखना आंदा ते की करया कर ते लफज बोल भी दे की फर्क पैंदा। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी ला रईब ना खत्म होने वाली ला रईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना तू सरवर कौनैल के फरमान पढ़ा कर। जी जी बस शुरू हो गया बयान। फरमाया जी वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या तेरे रब ने फैसला फरमाया है इबादत इबादत सिर्फ कल्ले उसे अल्लाह दी नाल ही। दूसरे नंबर ते मसला बयान है टू दी पॉइंट खुलासा तन बल्कि खुलासे का भी खुलासा बयान होएगा वरना ये आवाज मेरा दो चार पांच घंटे की राता नहीं मुकन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिस्ट इस बारे के अंदर दोस्त मैनू कहंदे ने और अल्लाह के फजल नॉलेज भी इतना ज्यादा इस उनवान ते जनरल नॉलेज मेरा नहीं मैं तालिब इल्म हां किसी खास उनवान बसावकत बंदा मुतालिया स्पेशल कर लेंदा मैं उदी गल करना वरना ये नहीं वरना जीरो। हर मामले दे अंदर इल्म अंदर अमल अंदर अल्लाह ताला सानू अपनी रहमत नाल इल्म अमल अंदर भी मजबूत फरमा देवे अल्लाह ऐसे अमल करने दी तौफीक देवे मेरी और तुहाड़ी नजात हो जाए सुभान अल्लाह। इधर वेखना जरा नाल ही दूसरे नंबर ते जो मसला बयान फरमाया है वबिल वालिदैनि इहसाना वालदैन नाल चंगा सलूक करने गल समझ आ गई ना। हाँ जी फरमाया चंगा सलूक की है जड़ी चीज खान पीन पहनन वास्ते अपने बीवी बच्चों की खातर पसंद करना है ओहो ओहो अपने अबे अम्मी वास्ते पसंद कीता कर। वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंद
دخل کبرا فرمایا احدهما او کلاهما فرمایا دوہاں وچو ایک یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما انہاں نو اف تک نہیں آکھنی جھڑکا نہیں مارنی انج نہ ہوئے بوڑھے والدین نو تو جھڑکا مارے او بے بسی دی تصویر بن دے گئے آسمان والے رب دے سامنے کوک نہ لا دین یاد رکھ कि तेरे कोलो सते हुए तेरे वालदैन ने फरियाद ला छड़ी तेनू ए तोए खोनी शुरू हो जाएगी मंगन निकलेगा ते मंगदे नू खैर नहीं पैनी वालदैन नू सुनिया ना सतावी एवें तेनी अदना तालिब इलम जोड़ जोड़े मैं ते आख्या कदमा हेठों जन्नत लभदी मां नू झिड़के गल नहीं फबदी कदमा हेठों जन्नत लभदी मां नू झिड़के गल नहीं फबदी दिल दियां अखियां नाल जे वेखे जन्नत दिसे मां विच रब दी केडी है गम खार ओ बंदिया दुनिया ते कर खिदमत रज रज मापियां दी फिर लभनी नहीं ओ बहार ओ बंदिया दुनिया ते कर मेरे ते इतबार तेनू आखां लख लख वार ओ बंदिया दुनिया ते मां तेरी ने कोल सवाया चुक चुक सीने उत्ते पाया केडा कीता मां ने प्यार बंदिया दुनिया ते मावां जन्नत वाली छावां देंदियां शाम सवेर दुआवां पुत्र भावे सारी रात गंदियां कंजरियां दे गाने सुन दावे गुलूकारां दे गाने या गंदियां कंजरियां डांसरां दे नचार वेख दावे टेलीविजना ते वीसीआरां ते मोबाइलां ते आज कल ते घर घर अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह इन्हां चीज़ां नूं सही इस्तेमाल करने दी तौफीक अता फरमा दे अल्लाहु अकबर बच्चा भावे सारी रात गंदियां गंदियां जगह ते बैठ के रात गुजार के आवे रामा इवें दीवा दरवा दे नाल लगी हुई ऐतल कुर्सी पढ़दिया रात गुजार दी पई है रात दे 2:30 बजे दे छिंदे दा खंगूरा वजे आए मां छट कुंडी खोल के सीन नाल चिमटा लेंदी है ते आंसू निकल आंदे ने कहंदी है वीरिया सोणिया तंग ना करया कर मेरे मिठू मेरे लड्डू मेरे चन तू नजर ना आवे ते मां नू नींदरां नहीं पेंदियां मां दियां आंदरां कलपदियां रहंदियां ने वीरिया जल्दी ते ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆ ਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜੋੜੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ तेरी मुहब्बत अंदर अपने आप नूं ही मारी जांदी है लोगो इंज दा वी रिश्ता कहना हाथ अंदर कोई नहीं जेड़ी कहंदी है मेरे बेटे नूं बेटी नूं मेरी औलाद नूं ठुड्डा भी ना वज्जे कंडा ना चुभे मां भावें मर जावे अपने आप नूं ही मारी जांदी है मां ही आखदी है मां मर जावे मां ही कहंदी है मां मर जावे अल्लाह मां जी 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 मेरे वीर ये दावे ही दावे ने कई लोग बगैर दलील दे दावे लई फिरदे ने दोस्तां बेलियां बेलियां दे नाल दावे का इजहार करते ने एक मिस कॉल मारे मैं कलाशना की छां कर देंगा इसे बेली नू 2-400, 1000, 500 की लोड़ पै जाए कहिंदा ये नहीं होना जान हाजिर है लै दावे करने वाले योजे मदारी योजे बहरूपीए योजे जनाब अंदर दे मुनाफिक ते कोड़े लोग मौजूद ने मां दावा नहीं करती बल्कि दावे की थां ते दलील बन के मर के विखा देंदी है एक दो वाकियात नहीं बीसियों वाकियात लोगों ने चश्मेदीद वाकयात सुनाए किताबां अंदर लिखे गए रेलगाड़ी चल रही है मां दी गोदी च बच्चा पटड़ी गैर हमवार आई ते बच्चा जना मां गड्डी नू झोला वज्या जोर नाल तेज रफ्तारी दी वजह करके और बच्चा उछल के मां दी गोदी च बाहर जा पिया मां जल्दी नाल झट बगैर सोचे समझे छाल मार देंदी है बच्चा जाके झाड़ी अंदर डिगया बच्चा बच गया ते मां मर गई मां मर गई अल्लाह अकबर है मां मर जाए अल्लाह अकबर अपने आप नू कही जांदी है लोगो सारे रिश्ते ना लेखा ऐ जी मेरा मामू है ऐ मामी है दोनों दा नाम लोगे ना ऐ चाचा चाची ताया ताई है जी ऐ जनाब फूफा
फूफी समझते हो ना, ए खालू है, ए मासड़ मासी, ठीक है ना, रिश्ते लेंदे। जदों जदों वालदैन का तज़करा आएगा तो मां बाप, फिर तो मां बाप भी कहते, पहले मां ही नहीं करता है उल्टा चो अल्लाह, मां बाप है, माई बाप, माई बाप है, मां प्यो, क्यों जी समझ आई। यह भी एक नुकते की बात है जी, है जी, इंसान के दिलों चो निकलती है, एक मुहब्बत का इजहार है। अल्लाह अकबर अगे चल के मैं दसदा जी कि जनाब वालदैन के मुकाम अंदर के खिदमत ज्यादा मां की, मुकाम से मरतबा ज्यादा बाप का है। मैं दसांगा, वंड पावांगा अल्लाह के फजल नाल। इधर वेखना इसे वास्ते तैयारदा लग रही सन कि मावं जन्नत वालियां छावां देंदियां शाम सवेर दुआवां, पुत बचा ले रब्बा मेरा मैनू दे तू मार, बंदिया दुनिया ते कर खिदमत रज रज मापियां दी फिर लभनी नहीं ओ बार, ओ बंदिया दुनिया ते कर मेरे ते तबार, तेनू आखां लख लख वार, ओ बंदिया दुनिया ते। इसे वास्ते कुरान पढ़िया है, फला तकुल लहुमा, फला तकुल लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा। खतीब दे इशारात भी अद्दा आवाज, जी जी, बल्कि पूरा ही आवाज होंदे जे। तवज्जो इधर वेख, वेख के इधर बेटा पुत्र मिटे, इधर वेख वेख के मेरे वाल, और जनाब अपने दिल दियां तांगां ते तारां अपने अरशां वाले रब नाल जोड़ के रखो, फिर वेखो कि जिंदगी शायद हो जा वास, तुसी सुनिया ही नहीं होएगा, तुहानू मालूम होएगा। वास्ते वो ने जिहड़े सुनते रहिंदे हो, लेकिन लेकिन दिलो दिमाग अंदर जिहड़ी बात बैठ जाए, तवज्जो नाल, अपना वक्त कीमती वक्त है, इहनू मजीद कीमती बनाओ, इहनू जाया ना करो, एक लम्हा लम्हा कीमती जे। इधर वेखना जरा, इसे वास्ते ते फरमाया उन्हां नू छिड़कां नहीं मारनियां, ओ वदग नहीं कहना, ऊ हू तक भी नहीं कहना। अल्लाह जी रल वसद मां बाप नाल गल बात करनी पै जाती है, सलाह मशवरे करने पै जाते हैं। अल्लाह जी उन्हां जुमलिया नू बोलां नू असी अदब समझते रहिए, मत मां बाप की गुस्ताखी ना हो जाए। अरशां वाले ने बल सिखाया जे, अरशां वाले ने मां बाप नाल गल करने का बल सिखा दिता है। अल्लाह सोने फरमाए, फला तकुल लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा, नाली वाल दसिया है, वकुल लहुमा कौलन करीमा। वाह वाह, कुरान तेरा जिवें पढ़न का अंदाज है, तर्जमा भी मौलाना बशीर अहमद साहब है जी, जिस तरह कुरान पढ़न का अंदाज है उवें तर्जमे का अंदाज है। अल्लाह अकबर, तर्जमा भी उस तरीके नाल बनता है, यानी करीम नरम नू बोलते ने, नरम 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 बोलियां बोलनिया ने। अल्लाह सुनिया वो नरम बोलियां किवें होंदिया ने, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बोल ही मिठे ना हो, तेरी अदा अंदर, तेरे अंदाज अंदर, तेरे हत्थां पैरां दे अंदर, तेरे जज्बा अंदर, तेरे ख्यालात अंदर, तसव्वुरात अंदर, और दिल अंदर इखलास भरिया होवे, मां बाप दी अतात भी होवे, मां बाप नाल मां बाप वास्ते दिल अंदर इखलास भी होना चाहिदा है। नाल ही अल्लाह ने फरमाया है, इधर वेखना जरा, गौर करना जरा, फरमाया वाखफिज लहुमा जनाह ज़ुल्म रहमा। वाह वाह, तर्जमा आंदा ना, तर्जमा आंदा वे फिर पता लगता है, जब तक असी तर्जमा करिए उदो ओ जड़ी अरबी दी सिपरट ते कुव्वत है ओदे अंदर फर्क आ जांदा है। जिन्हां नू तर्जमा आंदा वला बाहर नू एक वारी जांदे तड़पने आयत पढ़ के या सुन के, अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे भाई इधर वेखना, फरमाया अल्लाह सोणिया किस तरीके नाल, फरमाया वाखफिज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्म मिनर रहमा।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਾ ਮੀਆਂ ਖਦੇ ਜਾਣ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਰੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੁਕਾ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੂੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਬਿਮਾਰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਛੱਡੇ, ਆਹ ਕਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿਧੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਵੀਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬਿ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਲਤੀਫ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਏ ਬੰਦਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿੱਤਣੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਆਪ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਬਾਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲਾਇਆ, ਆਪ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਤੇ ਕੂੜਾ ਬਣ ਗਏ, ਰੁਲ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ, ਰੱਬਿ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਬਾਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਬੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਮਰਤਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਪ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਤਬਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਪ ਦਾ। ਦੋ ਹਰਫੀ ਬਾਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਲਾਵਾਏ ਕਰਾਮ, ਬਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ। ਇਹ ਬਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ। ਲਓ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ
सुधर जाएंगे अल्लाह के फजल नाल। जी मेरे प्यारे वीर इस वास्ते ते अर्दा ला रहे ना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह है जी। हदीस सनद के एतबार नाल ज़ईफ है, मौलाना अब्दुल रशीद मुजाद आबादी अल्लाह ताला उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए, कोटरी राय अबू बकर जिला कसूर दे दो घंटे दे खिताब विच फरमा रहे सन। हदीस बेशक इहदी सनद ज़ईफ है लेकिन असल दे एतबार नाल है जी हदीस गलत नहीं है, इहदी असल दे खिलाफ नहीं गई हदीस। हाँ हाँ असल दे खिलाफ नहीं, और जेदे अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां दी अजमत बयान कर रहे ने, जेड़ा एक वेरी मां दे चेहरे वल नजरे मोहब्बत नाल वेखे अल्लाह उनू हज्जे मबरूर दा सवाब अता फरमा देंदा है। हजरत जड़ा दो वेरी वेखे फरमाया दो हजां दा, सहाबा अर्ज करदे ने हजरत जड़ा सौ वेरी वेखे, आपने फरमाया नाम वल्लाहु अकबर व अतयब। हाँ अल्लाह इस नालों भी वड्डा इस नालों भी ज्यादा पाकीज़ा है, ये मतलब हमें हजार वेरी वेग हजार हज्जा जड़ियाँ कबूल हो जांदियां ने अल्लाह उन्हां दा सवाब अता फरमा देगा। एवें नहीं मेरे उस्तादा ने तर्जमा किया इस हदीस दा कि हज दा सवाब चेहरा वेखे जे मां दा, हज दा सवाब चेहरा वेखे जे मां दा, कैसा के मर्तबा ठंडी मां दी छां दा, खिदमत उन्हां दी दोनों जग दी भलाई ए, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई ए, पर आंदी ए उसनू जे दे दिल दी सफाई ए। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जानते हो ना अपनी बीवी हाजरा नू बेटे इस्माइल नू गैर सी जरा वादी अंदर छोड़ करके आ गए सन, ना जानते हो ना वो वादी केड़ी सी, गैर सी जरा, क्यों जी बेआब हो गया इलाका चटियल मैदान, अल्लाह अकबर अल्लाह। ते हुण उत्थे सफा मरवा दी सहाई करदिया होया ऐतां पढ़ना कदी है, सारे मंजर सामने आ जान जी जी। रब्बना أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله أكبر الله سارا کو اتھے نا بس اتفاق نالی ہے جی اے اتاں یاد آ گئی ہیں ذہن تو سارا अल्लाह गैर सी जरा वादी फिर आंसू एवं डुल पै, ये गैर सी जरा वादी है जिथे ना कहा ना कहा दी तेरे ना आदम ना आदम जात ना कोई सब्जा है ना दूर दूर तक कोई जनाब ची है जी पानी दी छिट नजर आंदी है। अल्लाह अल्लाह अकबर हुण इस वक्त वेखे ते सारे जहान तो पहले नंबर दी बहार उथे लगी हुई है। वाह वाह अल्लाह सोनिया बात लंबी ना हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम साल छमाई मिलन वास्ते जांदे, बेटे दी खैर दी खबर लैन वास्ते जांदे, इस वेरी भी गए बेटा घर नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उन्हां खले पैरां ते ही खले खलोतियां हाल हवाल पुछने दे बाद वापस चले जांदे ने। शामां पईयां हजरत इस्माइल अलैहि सलाम घर आए, दरवाजे ते आउंदियां ही वेख करके आखदे सन ए ते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी, एते खुशबू मेरे अब्बे दी जाप दी, हजरत नू तांग है सी मिलने दी बाप दी, पुछ दे घर आके लगदा है हस्ती कोई आई है, मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाइए, पर आंदी उसनू जे दे दिल दी सफाइए। हुण ते गल समझ आ गई ना, अगर इजाजत देवो ते दो गल्लां बयान करा, दो बातां अगर इजाजत देवो दो गल्लां बयान करा। एक गल ये है मां बाप दी दुआ लैनी है, ठीक है, वालदैन दी बददुआ तो बचना है, मां बाप दी दुआ बड़े बड़े चोरां ते डाकुआं नूं रब दा वली बना देंदी है, ते मां बाप की बदवा बड़े बड़े वलियां नूं जुतियां पवा देंदी है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, ते बुखारी शरीफ अंदर छे जगह ते हदीस आंदी, छे मुकामात। अल्लाह जिहड़ी मैं हदीस सुनावांगा अल्लाह दे वली दी हदीस, जनाब वली दी उहदे च बात है। अल्लाह अकबर। ते एक बात होर करांगा, एक ते होगी ना, दूसरी बात यह है
कि सारे जग नू अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है कि नबी दी इज्जत करे, सारा जग के दी इज्जत करे, बोलो नबी दी इज्जत करे। नबी नू अल्लाह ने हुक्म दिता है अपनी मां दी इज्जत करे। मियां मुक जान बस इत्थे गल भी मुक जावे। इधर वेखना जरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी। मेरे प्यारे भाई, मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजे तक मेरे प्यारे नबी दी छोटी जितनी उम्र है 50-50 सालां दे, अपनी मम्मी दे नाल मक्क्यों मदीने जांदे ने। जानदे हो ना मदीना दे अंदर मेरे नबी दी अम्मी जनाबे आमना अपने मुतवफी शौहर अब्दुल्ला दी याद वफा वास्ते गईयां ने। जनाब महीना भर क़याम फरमांदियां ने, वापसी मुकामे अबवा ते बीमार हो जांदियां ने। इत्थे मौलवी अब्दुस्तार ने अजब ही रंग अख्तियार कीता है, फरमांदे ने छिड़के नहीं यतीम किसे नू जेदी मर गई माई, मावां बाज यतीमां ताई आस उम्मीद न काई, मावां जन्नत वालियां छावां ते लाड लडावन सारे, कोई ना कहे यतीमा ताई होया फरजंद प्यारे। मावां वाले मावां दे वल सौ फरियाद लियावन, रो कर मुइया मावां वाले आपे चुप कर जावन। मावां वाले नहर खुशी थी वांग बगीचे पल दे, रब दी आस यतीमा ताई ज्यों का रुख जंगल दे। मावां वाले गोदी लेटन ते मिलिया खुशी खजाना, मावां बाज यतीमा ताई ओ सारा मुल्क बिगाना। गंजे काने कोजे ताई गोद उठावे माई, काला कोजा जा क्यों ना होवे मां नू सारे जग दे शहजादियां नालों ज्यादा मिठा लगदा है। गंजे काने कोजे ताई गोद उठावे माई, मावां बाजों ए सूरत सोहनी किसे ना सीने लाई। मामला लमियां चौड़ियां आसां ते उम्मीदां ला के बैठी हुई, चलो अब्दुल्ला ने कुछ ना वेख्या, मैं अपने बेटे दे बुलंद इकबाल वेखांगी। एदियां जवानियां में माणेगा ते जवानियां वेखांगी, व्याह कर देंगी। अल्लाह मेरे बेटे नू औलाद अता फरमाएगा, मेरे बेटे दी औलाद वेड़े अंदर मेरे सहन अंदर घर अंदर चलदी फिरदी नजर आया करेगी, वेख के खुश हो जाया करांगी। अब्दुल्ला दी निशानी फिर रहे ने, अल्लाहु अकबर। जिंदगी वफा कर दी हुई नजर नहीं आंदी। जनाबे आमना की आखदियां ने, मक्का दूर ते दूर मदीना ते शां खबर ना कोई, विच परदेस मुकद्दर वाली बात बराबर होई। आ गया वक्त जुदाइयां वाला ते दर्दो अंजू जारी, चुप कर सबरों कोल भई दे बैठे नबी गफारी। मेरे तेरे प्यारे महबूब नबी नू मामना एवें करीब कर लैंदियां ने, नाले कहंदियां ने एक मासूम दूजा परदेसी, ते रब नू माल महाला विच परदेसां कीवें आया वक्त जुदाइयां वाला। वेखे पई यतीम नबी नू ते लगियां खोण जुदाइयां, छम छम हंजू बागिर आईयां ते बातां दर्द सुनाईयां, अपने यतीम
बेटे मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नू करीब कर लेंदियां ने इवें सीने नाल चिमटा के गलखड़ी पा लेंदियां ने कदी आप दे रुखसारा नू चुम रहियां ने कदी आप दे गुलाबी गुलाबी होंठां ते बोसे देंदियां ने कदी आप दियां नाज नील मेरे नबी दियां हथेलियां नू चुमदियां ने कदी मोटियां मोटियां सुरमीलियां अखां ते बोसे देंदियां ने कदी आप दी नरम नाजक रेशम जैसी मुलायम गर्दन ते बोसे देंदियां ने नाले कहंदियां कि ने उम्र तेरी विच बरकत होवे बहुत दुआ फरमाई जांदियां जांदियां भी मां की आखदियां ने उम्र तेरी विच बरकत होवे बहुत दुआ फरमाई अखियां मेरिया हंजू रोवन बात मुकद्दर वाली होई आखरी नजर पांदिया ने अपने यतीम बेटे ते कहंदियां की ने वेखण आसान नसीब ना होया ते रब बुलंद सितारा वेख ना गया सूरत तेरी तेरा बाप प्यारा दर्दो अंजू बाहिर आईया ते बातां अजब सुनाईया असी यतीम मुहम्मद कोलों लगे हो करन जुदाईया मां ने आखरी अच कोला लिया है बस सावा दी डोर टुट जांदी है मेरे नबी सोने ने उम्मे अमन दी उंगली पकड़ी हुई हजरत रोंदे रोंदे मक्के वल जा रहे ने मेरे नबी दी अम्मी दियां उमरां लम्मियां हुंदियां प्यारे नबी दस दे के मां दी इज्जत किवें करी दीए इहदे बावजूद भी मेरे नबी अपनी अम्मी दी आम उमर औरत नूं मां तरां इज्जत देन दे मां तरां अदब और एहतराम कर दे एक वारी साहबा फरमांदे ने माली मां सादिया तशरीफ लिया रहियां ने अल्लाह दे नबी दी अचानक नजर पई हजूर जल्दी नाल उठे मेरी मां कह के लिपट गए मेरी मां कह के चिमटी जांदे एक बारी साहबा फरमांदे ने हजूर आका नंगी जमीन ते बैठे होए नंगी जमीन समझदे हो ना फरश है पक्का ना कोई जनाब चटाई है ना कालीन है ना कोई चादर है कपड़ा भी है नंगी अलानी जमीन ते बैठे हुए ने इधरों मां हलीमा सादिया नजर आईया हजूर जल्दी नाल उठे अपने मोढ़िया तो मोरे नबूत कजन वाली चादर लहाई ते मां दिया कदमा दे हेठ बिछा छड़ी मेरे नबी अर्ज कर दे ले अम्मी अम्मी ऐ जेड़ी चादर सवा लख कमो बेश पैगंबरां विचो किसे दूसरे नबी नू बतौरे पग दे भी नसीब ना होवे इहदे ते मेरी मां दे कदम आणगे अल्लाह दे नबी सोने नंगी जमीन ते बैठे रहे अपनी अम्मी नू अपनी चादर ते बिठाया ते मसला भी समझ आया सारे जग नू अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है सारा जग नबी दी इज्जत करे ते नबी अपनी मां दी इज्जत करे अगर इस पॉइंट ते रुक जाइए ते फिर ते घंटिया दे घंटे बाद मैं दो चार मिनट बाद अपनी बात खत्म कर देना उलामा दी खेब माशाल्लाह मौजूद है स्टेज नाल चिमटन दा ये जनाब साडा रवैया ही नहीं अल्लाह दे फदर नाल है जी अपने दोस्तां नूं फुल टाइम दे दिया अगर मेरी रिक्वेस्ट मान के मेरे प्यारे भाई मुफ्ती कफैतुल्ला शाकिर हाफिज़ाहुल्लाह ताला मेरे वीर ने मैनूं टाइम दे दिता है वक्त नाल इन्हां दी बहुत मेहरबानी क्योंकि ये तुहानूं पता है कि मेरी मजबूरी है मैं 7-8 साल हो गया जलसे तो बगैर तो मैं कारी लियास किधर गया कारी लियास बाहर चले गए कारी लियास नूं पुछ सकदे लुंडे फट के नाल जलसा कराया टाइम नहीं दिता टाइम नाल कहते ने हुण तफसीली किताब होएगा मैक सामने आया मैं अद्धे मिनट की दुआ की किसी हाथ चुके ना चुके सलम मारिया तो फैसला बा तो पता है फिर अहले दीस आप माशाला फिर यह नहीं हों कि बाद च मिल लैन कहते असी भावे 100 वादा खिलाफ ही करिए मौलवी क्यों करे साडा जर खरीद गुलाम है बाद च कोई मिलया तो नहीं फिर
फैसलाबाद तक किसी का फोन भी नहीं आया। अल्लाह अकबर। क्या गल करन दा मकसद, मैं अर्ज ये कर रहा सुनिया है जी, वादा बड़ी चीज होंदी है। मेरे मुफ्ती साहब ने मेरे नाल वादा किया, मजा तो आया ना वादा निभाण दा। मेरे तो नहीं 7 साल हो गए, 8 साल मैं नहीं रात जाग सकता। पहली तकरीर या वड़े जलसे, दूसरी हद मैं इस तो ज्यादा ना तकरीर कर सकना, ना मेरे तो होंगी है। पर क्या मैं अर्ज कर रहा सा बुखारी शरीफ की हदीस के जुरैज अल्लाह का बली है। जुरैज मां की दुआ लैनी, मां की बददुआ कोलो। शेख अब्दुल रहमान असुदेस पाकिस्तान आए हुए ने ना, माशाला जानते हो उन्होंने की ओहदा है, की अथॉरिटी उन्होंने, उन्हों का की शान है के इमाम है, नहीं आए नहीं आ सके। अच्छा दूसरे तालब मोहम्मद साले आए ने, ठीक है। तो इमाम साहब का आने का प्रोग्राम से नहीं आ सके, दोस्तों ने दसिया इन्हों का नाल अजे तो बर कह अल्लाह की मेहरबानी नाल अल्लाह ने वो शान ते मरतबा तवा फरमाया। छोटे जे 5-6 साल के अब्दुल रहमान सुदैस, छोटी जी उम्र है जे। माँ अल कसीम का इलाका है, बैकवर्ड पसमानदा इलाका सऊदी अरब का। उत्थे माँ सुके पहाड़ा च बकरियां चार दी, मां सुके पहाड़ा च बकरियां चारन वाली, लेकिन नमाज की पाबंद है। मगरब की नमाज भी पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ के सो गई, मिट्टी नाल अटे हुए वालों के अंदर, कपड़े मिट्टी नाल भरे हुए। मां सो गई, सारा दिन बकरियां चारियां ने, लेकिन सवेरे तहज्जुद वास्ते मां उठ के मसले ते खड़ी हो गई। वाह वाह, मैं कहांगा वो वेख मेरी रूहानी मां बहन, महसूस ना करना मैं तेरे फायदे की बात करना। तू सारे जग दियां नेमतां खा के ते हंडा के सवेर की नमाज भी ना पढ़े, तो फिर कितों अल्लाह दे वली कितों पैदा होने ने। हाँ, शेख अब्दुल रहमान असुदेस की मां तहज्जुद गुजार मुसल्ले ते खड़ी हो गई, 2 नफल पढ़ के सलाम फेरिया, पिछे अब्दुल रहमान भी नफल नीते हुए। मां खुश होकर कहती जा पुत्रा अल्लाह तेन काबे दा इमाम बनावे। लो मां दे मुंह चो निकली गल ते अज वेखो कल है। सुभान अल्लाह, कल्ला कल जिंदाबाद जिंदाबाद, तुसी सारे जिंदाबाद जी। मेरे प्यारे वीर अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे वीर गल समझ, जरा गल समझ। कल्ले काबे दे इमाम ही नहीं बल्कि हरमैन शरीफ एंड दे निगरान भी, पूरे अरब दी हकूमत, मैं ते कहना पूरे जहान दी हकूमत एक पासे, लेकर हरमैन दी जेड़ी थार्टी है निगरानी ए एक पासे। ए इम्तियाज वद दे, ए शान बर्तबा, ई सादत ते बजोरे बाजू नेस्त, बल्कि तर्जमा करा एदा, मिला करते नहीं रुतबे, कभी बाजू की कुव्वत से, ये फैजाने बारी है जो हो जाता है किस्मत से। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी, मेरे प्यारे भाई हदीस बुखारी दी, जुरैज अल्लाह दा वली माबद खाना बनाया होया है। माबद खाना समझा जे जरा, इबादत वाली जगह जिथे नमाज पढ़ते रहते ने। जी जी, तहज्जुद गुजार अल्लाह दे वली जुरैज, ये पहले पहले जमाने का कोई इंसान है। अल्लाह ताला ने वही दे जरिए प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया उन्हों का वाकया। बुखारी शरीफ च प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बयान किया, बुखारी च नकल फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। जी हम जुरैज अल्लाह दा वली है, तहज्जुद गुजार नमाजी बंदा नेक बंदा है। एक दिन तहज्जुद दी नमाज पे पढ़ते ले, इधरों मां आवाज देंदी है, कहंदी वे जुरैज मेरी गल सुन। जुरैज नमाज दी हालत अंदर दिल दिल विच सोचा दौड़ांदा है, कहंदे ने अल्लाह एक पासे तेरी नमाज, एक पासे मां दी आवाज। मां अल्लाह नमाज पढ़ा या मां की गल सुना, फैसला यह किया पहले नमाज पढ़ लेना बाद मां की गल सुन लांगा, लेकिन जुरैज वली को फैसला गलत हो गया। बड़े बड़े वड्डियां को फैसले गलत हो जाते हैं किसी वेले। फर्ज फर्ज ही मां की गल सुनना, नफल नीते सन नफल छड़ देंदा, क्यों जी फर्ज, लेकिन वह नफल जारी रखे अल्लाह की किबरियाई की वजह करके, अल्लाह की अल्लाह के मुकाम की वजह करके फैसला यह होया उन्हों तो कि नफल जारी रखे। अल्लाह की नमाज पढ़ के इबादत करता पाया ना मां की, क्यों जी नफल फर्ज का तसव्वुर ज़हन चो निकल गया, कहिंदा पहले नफल पढ़ लैना नमाज पहले ते बाद च मां की गल सुन लांगा। मां ने फिर आवाज दी इंतजार करके, ते जुरैज फैसला कर चुके सन। तीसरी मरतबा मां आवाज दे, कहिंदी वे जुरैज बूढ़ी मां की गल इना सुनदा,
अल्लाह करे तेनू उस वक्त तक मौत ना आवे जदों तक किसी फाहशा औरत दा मुंह ना वेख लवे। है अल्लाह, भोली मां ने बद्दुआ दे छड़ी, अरशां नाल चिमट गई। जो रह जिक दिन अल्लाह दा वली नमाज पे पढ़दा तहज्जद पे पढ़दे रे, जो ही तहज्जद दी नमाज मुकम्मल कीती पिछे जमाने दी बदकारा गंदी औरत बैठी हुई है, जो रैज नूं बुराई दी दावत देंदी है, जो रैज कहंदे रे बीबी दफा हो जा, जा चली जा, असी अपना ताल्लुक अपने रब नाल जोड़े हुए हां, असी इना कम्मा वाले नहीं, असी इन्हों कम्मा वाले नहीं। चल दफा निकल, बाहर धक्के दे के कढ़ दिता। इन्हें दिल च गुस्सा रखिया। हदीस जांदा है, अरे नबी ने फरमाया इस औरत ने किसे बकरियां दे चरवाहे नाल, बकरियां दे छेड़ू नाल मुंह काला कीता। वक्त आया जदों बच्चा जनिया, लोग इन्हू फड़ लैंदे ने, कहंदे ने दस कवारी होके जमाने की गंदी रन किहदा बच्चा चुकी फिरनी, पैंदिया लैंदिया ही कहंदी ओह जिहड़ा जुरैज वली बनया फिरदा। जहालत इतनी ज्यादा, मौजूदा मुआशरा उस नालों भी ज्यादा जहालत अंदर अगे लंघ चुके हैं। जे गंदे बंदे दे बारे च गल सुने, सुनते रहते हैं सारा दिन, वेखते रहते हैं, तो जे अल्लाह दा वली कोई नमाजी हाजी परहेजगार कोई कुरान दा कारी हाफिज आलिम कोई नेक बंदा है जी, ओदे बारे च हवा च उड़दी गल सुनी नहीं तो मरासी बने ने, डूम बन जाते हैं, फिर बगलां पजांदे तालियां, वेख्या वड्डा मौलवी बनया फिरदा, रहिंदा नहीं किधरे कारी वड्डा है, वली नमाजी वेख्या जी वड्डा है, इंज इंज जनाब तबसरे होंदे फिरदे ने। ये जहालत की अखीर है। लोग हद मुआशरा इतना गंदा है जी, हद लंघ चुकिया, जहालत नूं मात कर चुकिया, बल्कि जहालत नूं भी जनाब उन्होंने नीचा दिखा छड़िया। तो जनाब गल सुनी तो वेख दिया बड़ा जुरैज वली बनया फिरदा, ऐ दूरों ही जरा तेरी खबर लै लैने बड़ा जी किधरे धज्जद गुजार, वेख लिया तेरिया वलैतां धज्जदा है जी, एवें करते करते ना मन चले उन्होंने जा जगल में फड़ लिया, उल्ले भी नमाज पढ़ वेख तेरी करने तेरिया धज्जदा नमाजा बनया फिरना। औरत की आखदी है बच्चा जुरैज वली दा, बगैर तहकीक तो फड़ लिया तो बाहर खिंची फिरते ने। कई ने जनाब उदा माबद खाना इबादत वाली जगह इट नाल इट खड़का दिती, मारते ने जोर जोर नाल, नाले कहंदे ने जिहड़ा बंदा बुराई भी करे बुरे काम करे नाल तजदा भी पड़े ओदी ए सजाए, ओदी ए सजाए। ते जुरैज कहंदे ने ओए मारो जरूर मगर झूठ ना मारो, गल सच्ची करो, जेड़ा तजदा भी पड़े मां की गल ना सुने दी ऐ सदाए, इंज कह के मारो लोगों मेरे जुर्म का पता तो चले। नाल कहंदे ने अल्लाह अल्लाह सोने आए जुर्म मैं कीता कोई नहीं, तू ही चंगी तरह जानना है, ये मेरे च गलती कोई नहीं, अल्लाह सोने कोई सफाई का सबाब ही पैदा फरमा दे, वरना नेक लोगों की मट्टी बल जाएगी। लोग आखणगे हाजी नवाजी लोग कारी ते मौलवी लोग तजदा पढ़न वाले एको जी होया करते, अल्लाह सोने कुछ सफाइयां दे सबब बना दे, बस अल्लाह अगे दुआ करते ने। अल्लाह ने बच्चे नूं बुलाया है, बच्चा ही बोल पिया मां दी छाती तो परा मुंह करके कहंदा है ओ ना मारो जुरैज अल्लाह दा वली ए, मैं ते फलां अड़ियाली दा पुत्तर हां, फलां छेड़ू दा पुत्तर हां। लोग कदमा डिग पैर फड़ लै, अल्लाह वास्ते सानू माफ कर दे, तू ते पहुंची हुई सरकार है, तू ते जनाब बहुत पहुंची हुई सरकार, लै हुण रब मन्नी पैने जो चाहवे कर सकना, बच्चा भी बुला दिता तू, लेकिन बच्चा किन्ने बुलाया अल्लाह ने। जाहिल बंदा जिहड़ा है ना मुशरक ते जाहिल, उहदे वास्ते जन्म रजिस्टर्ड है, मुशरक बंदे वास्ते या वलियां दी मुखालफत करके जहन्नमे जाणगे या वलियां नू खुदा मन के रब मन के जहन्नमे जाणगे। हुण रब मन्नी पैने कहिंदे ने तेरा माबद खाना असी इट नाल इट खड़का दित्ती है, उह ते गिरा दित्ता, आखें ते पक्कियां इट्टां दा बना दईए। मैं हुण वी चला जाना किस वेले लाहौर, मेरा टाइम खाली हुंदा रात जलसा करके, सुबह मैं उत्थे नेड़े किधरे जलसा आवे मौलाना अब्दुल रशीद नजादाबादी के सामने दो दो घंटे दुजानों बैठ के बुखारी का दर्स पढ़ के आईदा है। मौलाना साहब फरमाते ने अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए, फरमाते ने जुरैज कहंदे सन नहीं नहीं कच्चियां दा ही रहण दिओ, बगैर तहकीक दे फिर ना मैनू किधरे मारन लग जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह, जुरैज कहंदे सन इहदे अंदर तुहाडा कोई कसूर नहीं, मैनू मां दी बद्दुआ लग गई है, बस इन्ना क मसला सी। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल कबूल मंजूर फरमाए। ये जड़ा पाँच सात घंटिया का लंबा तरीन वाज थोड़े जे मिनटा च जनाब बयान हो गया, अल्लाह की तौफीक नाल अल्लाह लो फिर इस तरह करिए किन्ने मिनट।
अल्लाह खैर ठीक है। वैसे मैंने पहले दस दिन दे ते मेरा मजमू अच्छा गल सुनो फिर एक वाक्या होर सुन लो अल्लाह हाँ और रह ते बड़े गए ने हाँ और रह ते बड़े बेबहा गए ने ते समंदर है जरा सिमट नहीं सकिया इधर वेखना अब्दुर्रहमान बिन शेजान बलखी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह है जी जानते हो ना अब्दुर्रहमान बिन शेजान बलखी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह छोटी जी उम्रे बाप ताजर पेशा पैसे वाला दौलतमंद बाप फौत हो जांदा है दौलत छड़ के दुनिया तो गया ये जनाब मां नाल लड़के खो के भिड़ के जनाब इन्हें पैसे खो के ले जाने गंदे गंदियां महफलां अटेंड करन लग गया और जन अल मकासिद सनिया फी अहादीस इलाहिया अरबी दा किताब चाहे उदे अंदर वाकया मौजूद है अल्लाह इस्लामी तारीख दा एक वाकया है ये नहीं कि कोई बंदा कवे कुरान च नहीं तो कितने इल्जाम अंदर पकड़े गए उन्होंने इतना मारिया अंग्रेजा ने इतना मारिया के मौलाना साहब शादी के काबल नहीं रह सके लोग पूछते सन मौलाना सूफी मुहम्मद अब्दुल्ला साहब इतना तेनों मारिया इतना मारिया तुहानू तकलीफ नहीं हुई कहते ने जो मैं उन्होंने मारन वास्ते लिटाया मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दिता लो है जी लोग को तुसी कहो गे जे हदीस दसो कितने लिखी इस्लामी तारीख दे इंज दे वाकयात हुंदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर मैं अर्ज़े कर रहा सा अल्लाह 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 है जी जनाब शहजान अब्दुर्रहमान बिन शहजान बलखी ए जनाब छोटी जी उम्र दे जनाब पैसा दौलत वापर छोड़ के वालद पोत हो गया है ए मां नाल लड़के खो के जनाब पैसा पाई लै जाना गंदियां महफलां अटेंड कर लग गया गंदे लोगों के अंदर बहना उठना हो गया यानी शराब दादी हो गया गंदियां महफलों के अंदर जनाब एक दिन रोजिया का महीना आ गया है रोजिया का महीना आया ये अपने दोस्तों लुचिया लफंगिया लैके अपनी बैठक अंदर शराब प्या पींदा है मां आई वाला तो पकड़ करके ला के कहती है अब्दुर्रहमान तेरा बाप कितना नेक सी प्यो की नेकी लीक लाइए घर तेरी पहल जवान है कहो जे कम्मा दे अंदर लग गया है कहंदा मैं शराब दी हालत अंदर इवें जनाब गुस्से नाल मां दे चेहरे दे उत्ते मुक्का कट मारिया मां दी अख अंदर लग्या मां दी अख तड़क करके बाहर आ जांदी है ए जनाब मालिक बिन दिनार बहुत बड़े मुअद्दस मदीना मुनव्वरा दी अंदर हदीस मुसल्ला रसूल ते बैठ करके पढ़ाने वाले ए हज दे जनाब दिना दा वाकया बयान फरमांदे ने कहंदे जनाब मैनू ख्वाब आंदा है बार 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 तवाफे अफाजा तो बाद तवाफे जियारा तो बाद हज मुकम्मल हो जाता है ये बाद बार 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 जो ख्वाब आंदा है सो जाना तो ख्वाब आंदा है हाँ जनाब है जी इला मालिक बिल दिनार ऐलान कर दो अल्लाह ने सारिया का हज कबूल कर लिया है एक बंदा जेदा हज कबूल नहीं होया ये जनाब परेशान होके तौबा ताब करता है मालिक बिल दिनार बहुत बड़े मुअद्दस ने ना नफल पढ़ते ने ते अल्लाह जे मैं ते मेरा ना दस दिता जावे मैं तेरे काबे ते गुलाफ नू छड़ा गई उदो जदो कबूलियत दा ऐलान हो जाएगा अल्लाह जे होर कोई है ते उदा नाम जाहिर कर दिता जाए वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तीन मरतबा इस तरह होया आखिरी मरतबा कहंदे ने अल्लाह सोने कुछ सबब बना दे इधरों आवाज आंदी है ओ अब्दुर्रहमान बिन शेजान बलखी है जिदा अल्लाह ने अज कबूल नहीं होया जनाब उन्हें तलाश करने वास्ते अबू साले नू नाल लेके निकले निकलदिया जनाब अगे एक बंदा वेख्या करी जी शकल कड़ियल जवान है ओदे ओदा एक हाथ कोई नहीं एक अख भी कोई नहीं अगे होके पुछते ने ओदे कोले पुछते ने ओ अल्लाह दे बंदे असी अब्दुर्रहमान बिन शेजान नू मिलना है कहंदा ओ ते मैं हां
मेरे का की काम, कहिंदे ने तेरा हज कबूल नहीं होया, कहिंदा 6 साल हो गए इवें आना, मैनू किसे ना किसे राही पता लग जाता है, मैनू ख्वाब आ जाता है, किसी होर बंदे दा इतला पहुंच जाती है तेरा हज कबूल नहीं होया। कहिंदे ने गल की है, हुण गल सुनना लग गया कि मां मां की अख जो जाया हो गई है ना, मां परां हो के मुसल्ले ते बह जाती है, कहिंदी अल्लाह अर्श वाले किधर चला गया है, अल्लाह वेख मेरा पुत्र केडा गंदा है, केडा कमीना मेरा बेटा है, अल्लाह ओदी दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखरत भी बर्बाद कर दे, अल्लाह दुनिया आखरत दियां भलाइयां ओदे तो चुक ले। मां पर दुआ कर देंदी है, शाम नूं जदों नशा उतरिया है बैल दौड़ी दौड़ी आई, कहिंदे बीवी अब्दुल रहमान मां ने बड़ी वड्डी बद्दुआ दे छड्डी है, चल मां वेख मां दी अख जाया कर दित्ती है, चल जाके मां कोलों माफी मंग लै। अगा नेड़े होया, कहिंदी मेरे नेड़े ना लगी, पर दफा हो जा, एदे बाद आवे छुरी लैंदा है अपनी अख अंदर मारदा है, अख जाया करके मां दे कोल आ जांदा है, शायद मां नूं तरस आ जाए मगर मां दा खून सफेद हो गया है, मां 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 बद्दुआ कर चढ़ी चुकी है गुस्से अंदर है, मां कहिंदी जा तेनूं माफ नहीं करना, पर आके टोका लैंदा है अपना हाथ कट के मां दे कोल लैके कहिंदा है अम्मी ए गंदा ना पाक हाथ जिहड़ा मां दे पाकीज़ा चेहरे ते वजिया है, ए वी जिस्म नालों जुदा हो गया है, अम्मी मुआफी दे दे। मगर मां कहिंदी दफा हो जा, काले मुंह वाले मैनूं अखी ना दिसी, मैं तेनूं मुआफ नहीं करना। कहिंदा मैनूं पता चलिया है कि जनाब ये गल सुनी कि हज करन जावे हाजी दे सारे गुनाह मुआफ हो जांदे ने, हाजी नूं मुआफियां मिल जांदियां ने। अब्दुल रहमान तू नहीं जानदा मां बाप दे गुस्ताख नूं काबे दे अंदर भी मुआफी कित्थों, काबे च भी मुआफियां कितों मिलदियां ने। ये कहंदे ने मैं 6 साल हो गए सियालत अंदर बनिया जूड़ा मुजरमा तरह ना, मगर हर साल ही जुंदा है कि मेरा अज कबूल नहीं हुंदा। कहंदे ने क्या तेरी मां मौजूद है, कहंदे ने जी गां मौजूद है, इतफाक नाल इस साल वो भी हज करन आई हुई है, यमनी खैमिया के अंदर उदा फुलां जगह ते खैमा मौजूद है। मालिक बिन दिनार कहंदे ने तू रस्ता दसदा चला जा, असीं अगे अगे टुरे जाने आ, और जाके इजाजत लैके खेमे दे अंदर दाखिल होए। इमाम मालिक बिन दिनार ने अपना तारफ करवाया है, अम्मा अम्मा मैं मालिक बिन दिनार हाँ, मस्जिद नबी दे अंदर हदीस पढ़ाना, हदीस दा दरस देना, मैं एक काम आया तेरे नाल, गल जे मेरी मन्ने ते तां है। मां कहंदी हाँ जो कहोगे मन्नांगी। इधरों अब्दुल रहमान दे चेहरे ते नजरां पईयां, कहंदियां ने मगर ओ काले मुंह वाला मेरा अब्दुल रहमान, उन्हां दे बारे च इक नहीं सुनांगी। मालिक बिन दिनार सिर फड़ के बह जाते ने, सर पकड़िया ते सोचा अंदर गुम, सोचदियां सोचदियां अल्लाह दा कुरान जेने चाया, कुरान ही है जेड़ा पत्थरां चो पानी चला देंदा, कुरान है जेड़ा पत्थरां पत्थर दिला नूं नरम कर देंदा है। नाल ही पढ़दे ने के अल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अन्नास والله يحب المحسنين। बस ऐत पढ़िए, नाल ही बूढ़ी मां लोगों नूं मुआफ कर देने वाले, जनाब अल्लाह अकबर गुस्से नूं पी जाण वाले, एहसान करने वालों नूं अल्लाह बड़ा पसंद करता है। आयत दे आखिरी जुमले ते पहुंचे ने जदों मालिक बिन दिनार والله يحب बुल मुहसिनी, बस मां दी अखां चो आंसू चल पे, फौरन कहंदी है जा मालिक बिन दिनार गवाह हो जा, मैं अपने बेटे अब्दुल रहमान नूं मुआफ कर छोड़िया है। नाल ही मुसल्ला डा लैंदी है, दो नफल पढ़ के हाथ चुक लैंदी, कहंदी अल्लाह या अल्लाह, अगे मेरे कहण ते मेरे अब्दुल रहमान नाल तू नाराज हो गया से, अल्लाह मां मन गई है, मां मन गई है, अल्लाह तू ही मेरे अब्दुल रहमान नु माफ कर दे। मां
अज इत्थे बस हुण लोहरी फिर कदे सी। मेहरबानी, शुक्रिया।